हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर इस समय हम अपने दर्शकों को बता दें कि कनिका कपूर लखनऊ के अलावा कानपुर भी गई थी। लीजिए उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर की भी खबर आ गई कि लखनऊ में तो उन्होंने पार्टियां की, साथ ही साथ 13 और 14 तारीख को कानपुर में थी कनिका कपूर। मामा विपुल टंडन के घर पर ठहरी थी कनिका कपूर। तो अभी तक तो हम संसद राष्ट्रपति भवन की बात कर रहे थे, अब उनके मामा के घर क्योंकि वो गई थी, वहां रुकी थी, अब वो वहां किस किस के संपर्क में आई थी, ये एक बड़ा सवाल है। पंकज झा लीजिए, अभी तक तो हम लखनऊ और दिल्ली की बात कर रहे थे, अब ये तीसरा शहर भी जुड़ गया कानपुर। जी हाँ बिल्कुल, यही बात बार बार कही जा रही है ना कि अगर आपने वहाँ लौटने के बाद यानी विदेश से लौटने के बाद एहतियाती उपाय कराए रहते, जांच कराई रहती तो नौबत नहीं आती। अब देखिए लखनऊ से बात शोभना दिल्ली तक आ गई, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक चला गया, अब ये मामला कानपुर है। कानपुर में वो कहाँ गई, मामा के घर गई, वहाँ कितने लोगों से मिली, किन किन लोगों से उनका कॉन्टैक्ट हुआ, अब वो भी जाँच के दायरे में होगा और वहाँ भी कुछ भी हो सकता है ये कहा जा सकता है। पंकज झा मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, आप न्यूज रूम में हैं, जो इस देश का आम नागरिक है वो पूरी कोशिश कर रहा है, सड़कों पर भीड़ कम है, मेट्रो में भीड़ कम है, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकार अपनी तरफ से हर एहतियाती कदम उठा रही है, लेकिन ऐसे लोगों का क्या उपचार है जो लखनऊ तो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, कहाँ तक एक लंबी लिस्ट इनकी वजह से तैयार होने जा रही है। बहुत लंबी लिस्ट है शोभना, और अभी अभी जानकारी ये भी आई है कि जिस शालीमार गैलेंट में वो रह रही थी कनिका कपूर, वहीं एक जो पड़ोसी हैं जिनका सैंपल लिया गया था उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिस खतरे की तरफ हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कनिका कपूर जिनके संपर्क में आई, जिन लोगों से मिली, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है और एक बुरी खबर और आ गई है। बिल्कुल पंकज झा, मैं अपने दर्शकों को ये इस समय की बड़ी खबर बता दूं, हम आपको बता दें कि कनिका कपूर जिस अपार्टमेंट में रह रही थी उनके पड़ोसी यानी उनके नेबर्स जो हैं, जब उनका टेस्ट किया गया कोरोना का तो वो भी पॉजिटिव पाया गया, यानी कनिका कपूर जिनके संपर्क में आई होंगी उसमें से एक शख्स और है जिसका ये कोरोना पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है, यानी अब लखनऊ में कुल मिलाकर ये संख्या 10 हो गई है और चिंताजनक। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि कनिका कपूर के पड़ोसी का पॉजिटिव आना और उनका फिर पार्टी में जाना, ये फेरिस्त तो बहुत लंबी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा बता रहे थे कि ये लिस्ट बहुत लंबी होगी, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और इसी में एक और खबर आ रही है कि जो कनिका कपूर थी वो 13 और 14 तारीख को कानपुर गई थी, कानपुर में कल्पना अपार्टमेंट में इनके मामा है विपुल टंडन के घर पर ये गई थी, और दो दिन बताते हैं कि वहां भी पार्टियां हुई थी। इसके अलावा लखनऊ के ही तमाम ब्यूटी पार्लर, बुटीक और एक स्किन क्लिनिक का भी नाम सामने आ रहा है जहां पर ये लखनऊ में अपने प्रवास के दौरान गई थी, क्योंकि सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड की तो हर कोई चाहता है कि अगर वो शहर में आई हैं तो उनके प्रतिष्ठान पर भी आ जाएंगे, थोड़ा सा लोग नजर देखते हैं उसको, तो इसलिए उनको कई और जगह हैं लखनऊ में भी जहां पर ये गई थी। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।